एक्सीडेंट एनालिसिस आज के इस सेशन में जो है हम लोग एक्सीडेंट एनालिसिस के बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे कि आपका जो एक्सीडेंट एनालिसिस होगा वो किस तरह से करेंगे। ये टॉपिक आपका गेट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपका ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग आज का जो टॉपिक होगा एक्सीडेंट एनालिसिस, इसमें हम लोग पूरा फुल डिटेल्स में आपको देखेंगे कि एक्सीडेंट का पैटर्न क्या हो सकता है एंड उसमें एजम्पशंस ऑफ एक्सीडेंट एनालिसिस क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये था सर इसमें एजम्पशंस क्या होता है सर, वो भी बता दीजिएगा। ओके, आई एम गोइंग टू कवर एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी एस्पेक्ट ऑफ एक्सीडेंट एनालिसिस, दैट व्हाट यू हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एक्सीडेंट एनालिसिस एंड हाउ क्वेश्चंस विल लुक्स लाइक, इस क्वेश्चंस कैसा दिखेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इन सब चीजों में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली मैं आपका जो आज का जो सेशंस है एक्सीडेंट एनालिसिस का मैं उस पे पहुंचता हूं, ठीक है। ओके चलिए, तो आपका एक्सीडेंट एनालिसिस की बात करें तो एक्सीडेंट एनालिसिस में आपका जो फर्स्ट कंसिडरेशन है, फर्स्ट एजम्पशन जो होगा आपका एक्सीडेंट एनालिसिस एनालिसिस, तो उसमें आपका जो दो एजम्पशंस है वो हम लोग समझ लेते हैं। आफ्टर दैट थोड़ा कॉलिजन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज विदाउट कॉलिजन विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सीडेंट एनालिसिस। क्लियर है? तो समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आपका जो एजम्पशंस है वो मैं देख लेता हूं, क्या है आपका एजम्पशंस क्या है आपका, या समझिए। तो फर्स्ट एजम्पशंस आपका क्या दिया गया है वो देखते हैं। आपका व्हेन ए व्हीकल कोलाइड्स विथ पार्क्ड व्हीकल, मतलब आपका एक पार्क्ड व्हीकल के साथ अगर कॉलिजन होगा व्हीकल का, उस केस में आपका प्लास्टिक कॉलिजन होगा, मतलब उस कॉलिजन को अपने को प्लास्टिक कॉलिजन कंसीडर करना। क्या होता है इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन वी कांट मूव अहेड। तो कॉलिजन ऑफ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा थोड़ा सा, अपन को यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैं नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे सिंपली कॉलिजन के कॉन्सेप्ट जिससे कि अपने को अपने क्लास के क्वेश्चंस बन जाए सिर्फ उसको कवर करने वाला हूं और ज्यादा कुछ भी नहीं, बस इतना ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो एजम्पशंस की बात करें तो फर्स्ट एजम्पशंस जो आपका है, फर्स्ट एजम्पशंस की बात करें तो फर्स्ट एजम्पशंस होगा कि व्हेन व्हेन मूविंग व्हीकल कोलाइड्स विथ पार्क्ड व्हीकल, मतलब आपका पार्क्ड व्हीकल के साथ कॉलिजन आपका हो जाए, ठीक है ना। उस केस में इन दिस कंडीशन कंसीडर कॉलिजन एज प्लास्टिक कॉलिजन, कॉलिजन एज प्लास्टिक कॉलिजन, प्लास्टिक कॉलिजन। या ये बहुत बड़ा आपका जो एजम्पशंस था ये आपको दिया गया था। क्लियर है? ओके, अब हम लोग बात कर लेते कि आपका जो कॉलिजन का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है भाई, वो देख लेते हैं। क्योंकि अपन को जब यहाँ पे एक्सीडेंट एनालिसिस करेंगे तो थ्री डिफरेंट केसेस बनेगा। थ्री डिफरेंट केसेस में कौन कौन सा केस होगा भाई आपका, मीन्स अगर मैं थ्री डिफरेंट केसेस की बात करूं, आप बोलोगे कि सर एक होगा आपका एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, मतलब आपका जिस समय कॉलिजन जस्ट होने वाला है और एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन, मतलब आप इसको बोलोगे एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन या राइट। ओके, कॉलिजन हो गया, होने के बाद इसको कुछ वेलोसिटी मिल गई, आफ्टर कॉलिजन ये वाला हो जाएगा। उसके बाद जो उसका मूवमेंट होगा उसका जो स्टडी करेंगे दैट विल बी कम अंडर आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। ओके, इसके बाद
अभी कॉलिजन हुआ नहीं था, मतलब कि यहाँ पे एक पार्क्ड व्हीकल था और ये व्हीकल यहाँ पे मूव करते हुए आया, यहाँ से ब्रेक लगाया, बट ब्रेक लगाने के बाद भी यहाँ पहुंच के अभी तक स्टॉप नहीं हुआ है। तो ये होगा आपका बिफोर कॉलिजन वाला कॉन्सेप्ट, बिफोर कॉलिजन। तो जब भी आपको एक्सीडेंट एनालिसिस आए, आप इस तीन केसेस को अपने जो है नोटबुक में बना दीजिए, बिफोर कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन। ओके, एनालिसिस कैसे होगा बता रहा हूं, बट अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एट द टाइम ऑफ कॉलिजन की। बात करें एट द टाइम ऑफ कॉलिजन क्या होगा, मींस आपका देखिए ये दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में जस्ट कॉलिजन होने वाला है, मतलब एट द टाइम ऑफ कॉलिजन की बात कर रहा हूं। यहां पे कॉलिजन हमने दिखा दी, तो कॉलिजन हुआ और कॉलिजन के जस्ट बाद आपका फिर से दोनों किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से सेपरेट हो गए। क्लियर है? तो ये वाला व्हीकल, इसकी जो वेलोसिटी है इसको मैं बोल देता हूं V1, इसकी वेलोसिटी को बोल देता हूं V2। अभी दोनों कॉलिजन हो चुका है, अब इसके बाद इसकी वेलोसिटी हो गई V1 डैश, इसके बाद इसकी वेलोसिटी हो गई V2 डैश। मतलब जस्ट बिफोर कॉलिजन इस दोनों का स्पीड कितना था, V1 V2। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जस्ट बिफोर कॉलिजन मतलब कॉलिजन होने वाला है एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट की बात मैं कर रहा हूं आपको यहाँ पे। आपका क्या होगा उस टाइम, वेलोसिटी कितना था पता है, जैसे ही कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद दोनों सेपरेट अगर हो रहे, जैसे ही सेपरेशन हुआ, देन विच एट व्हाट वेलोसिटी बोथ व्हीकल हिट सेपरेटेड, इस क्या वेलोसिटी मिला कॉलिजन के बाद, दैट इज V1 डैश एंड V2 डैश। अभी मैं जनरलाइज कॉलिजन की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक कॉलिजन नहीं कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं पूरा जनरल केस ले रहा हूँ। तो आपका एक जो कॉलिजन की जो प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आपका, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन क्या होगा आपका, क्या होता है आपका, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन मोमेंटम विल बी कंजर्व, मोमेंटम विल बी कंजर्व क्या हमेशा रहेगा, क्या विल बी कंजर्व क्या हमेशा होगा, नहीं। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्स, ये कंडीशंस होगा आपका, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तब बाहर से कोई फोर्स उस पर ना लगे उस समय कॉलिजन के टाइम में, ठीक है ना, यानी कि कॉलिजन हो रहा साइड से कोई फोर्स लगा दें तब आपका मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो जस्ट बिफोर कॉलिजन, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर इस दोनों का जो मोमेंटम होगा दैट विल बी कंजर्व। तो इधर वाला मोमेंटम मास m1 m2, इसका मास m1 m2, राइट। तो आप बोलोगे m1 v1, सर मोमेंटम कितना होता, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम कितना होगा m1 v1, सेकेंड का कितना होगा m2 v2, इसका क्या होगा m1 v1 डैश और इसका क्या होगा m2 v2 डैश, m2 v2 डैश। और ये है आपका जस्ट आफ्टर कॉलिजन और ये आपका जस्ट बिफोर कॉलिजन, और यहां पे क्या होगा दोनों इक्वल हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ कॉलिजन की बात करें तो वही, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन आपका बोथ विल बी इक्वल, इक्वल टू साइन आपका लाइज करेगा, पहले क्या था बाद में क्या है सेम, या जस्ट वर्ड्स मैंने यूज किया है। अब कॉलिजन हो गया उसके बाद की बातें नहीं कर रहा, उसके बाद उसका मोशंस आपका ट्रूली, उसका जो फ्रिक्शन लग रहा है ये लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा, उस पर उसका मोशंस आएगा, स्किड मार्क आएगा, क्या होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा, प्योरली काइनेमेटिक्स की बात, वो आपका नहीं होगा। कॉलिजन सिर्फ यही है, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, या ओके। अच्छा अब देखते हैं, कॉलिजन दोनों के बीच हो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा होना चाहिए अभी कॉलिजन आपका हो पाएगा, अगर V2 ज्यादा होगा तो ये तो भागते चला जाएगा, कभी कॉलिजन होगा ही नहीं। ओके अच्छा, दोनों सेपरेट हो इसका कंडीशंस क्या होगा आपका, V2 डैश ग्रेटर देन V1 डैश, तब इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तब जाकर दोनों सेपरेट होगा, अगर ये नहीं होगा दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर पीछे वाले की वेलोसिटी आप ज्यादा बोलोगे तो पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज
इट फॉलोज सेकेंड मास एम टू, और एम टू जब आगे बढ़ेगा तभी ना, तो यही बहुत ज्यादा होगा, दोनों साथ मूव कर रहा है, ठीक है। यहां पे एक आता है आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी एक टर्म्स है आपका, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच, और इधर आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, मतलब किस वेलोसिटी से वो एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, तो आपका मतलब क्या, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, आप जिसकी स्पीड कम है उसको जीरो कर देते हैं, ऐसा नहीं कि कम वाले को ही करेंगे, किसी को भी जीरो कर दो, मतलब क्लोज आ रहा है, तो मैं कहता हूं चलो ये रुक गया, रुक गया अगर, तो इसकी वेलोसिटी क्या करोगे, अब इसको दोगे, आप बोलोगे कि v, और आ रहा है आप डायरेक्शन क्लोज आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन ये ले रहे हो, तो आप बोलोगे v1 माइनस v2 विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट विच v1 मीन्स मास m1 कम्स क्लोजर टू m2, राइट। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें तो किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो आप कह दो कि इसको चलो जीरो कर दिया, इसके वेलोसिटी किसको दे दिया, क्या जाएगा आपका v2- v1-, मतलब इतने वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है। सिंपल सी बात है ना बाबू, इधर ये 10 से जा रहा है, ये 15 से जा रहा है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना होगा, क्या लगेगा, इस 10 किलोमीटर पर आवर्स वाले जो स्पीड होगा इस ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा, लगेगा कि इससे बस 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, क्यों भाई, इसको स्टॉप कर देंगे, इसको इधर दे देंगे, कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए ये कितने स्पीड से जा रहा होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। इस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, दोनों के बीच जो गैप बढ़ रहा है, सेपरेट जो हो रहा है, वो किस रेट से हो रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से आपका सेपरेशन बढ़ रहा है, क्लियर है। ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। चलो ओके, तो हमने कॉलिजन देख लिया, मोमेंटम कंजर्वेशन, v1 v2 का केस क्या हो सकता है देख लिया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है देख लिया। अब एक टर्म्स आपका आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें मीन्स ई से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट, और ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब E की जो वैल्यू होती है इट वैरीज बिटवीन 0 to 1, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, एंड इन बिटवीन 0 to 1 भी हो सकता है। E की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है E to 1, और इसी के बेसिस पे आपका जो टाइप्स ऑफ कॉलिजन होता है वो आपको डिफाइन किया गया, मतलब E की वैल्यूज को अगर मैं 1 कह दूं तो आपका परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। E की वैल्यू को 0 कह दे तो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, और इसी को बोलते हैं प्लास्टिक कॉलिजन, जो कि अपने को एक्सीडेंट एनालिसिस में कंसीडर करना है, मींस वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, और इसके लिए आपको E जानना होगा, E के लिए आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जानना होगा, क्लियर है ना। दैट्स व्हाई हमने ये पूरा चीजें बताया आपको, पूरा टर्म्स बताया। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो आपको लगाना ही है, क्वेश्चन बनाना ही है आपको उससे, तो वो तो खैर आपको करना ही था। चलिए ओके, यहाँ से आपको E की वैल्यू एंड इन बिटवीन 0 to 1 अगर आपका होगा तो उसको बोलते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन, या इसको बोल सकते हैं पार्शियल आपका जो है इलास्टिक इनइलास्टिक, जो भी बोल सकते हो वो बोलेंगे हम लोग। तो प्लास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, ये तीन टर्म्स है, और अपने को इंटरेस्टेड किसमें है, अपन इंटरेस्टेड इसमें है, तो सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ई की वैल्यू क्या होगी भाई, अपने को 0 हो गया, तो ई का वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है, ई के वैल्यू 0 बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, नीचे वाला तो 0 नहीं होगा ना, डिनोमिनेटर तो कभी 0 होगा नहीं, न्यूमिनेटर 0 हो जाए, और न्यूमिनेटर 0 का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में 0 का मतलब क्या है, v2 डैश
इक्वल्स टू वी वन डैश, और वी टू डैश वी वन डैश इक्वल कब होगा, जब आफ्टर कॉलिजन दोनों का दोनों स्टिक हो जाए, मतलब आफ्टर कॉलिजन दोनों का दोनों एक साथ चिपक गया और एक कॉमन वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा हो, मीन्स ये जितना से मूव कर रहा उतने से ये भी मूव कर रहा है। इस कंडीशंस में जो कॉलिजन होगा दैट विल टर्म एज प्लास्टिक कॉलिजन, बिकॉज ई की वैल्यू आपको जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेपरेट हो ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा दोनों का कॉमन वेलोसिटी। तो अपने को क्या करना है, अजम्पशंस जो आपको हमने बताया कि आपका क्या है, प्लास्टिक कॉलिजन कंसीडर करना है। अगर पार्ट व्हीकल के साथ कॉलिजन हो रहा है तो आप बोलोगे कि अगर पार्ट व्हीकल के साथ कॉलिजन हो रहा है तो आफ्टर कॉलिजन बोथ व्हीकल मूव्स टुगेदर, बोथ व्हीकल मूव्स टुगेदर, मतलब ये कंसीडर करते हुए अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सीडेंट एनालिसिस एंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझिएगा। देखिए मतलब ऑब्वियसली आपको तीन कॉलम तो बनाने होंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका तीन चीजें, एक्सीडेंट एनालिसिस का क्वेश्चन जब भी हो ना, आप सबसे पहला काम यही कीजिए कि तीन कॉलम आप बना लो, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। कैसे, एक होगा आपका बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन एंड जस्ट बिफोर कॉलिजन दोनों डिफरेंट है। बिफोर कॉलिजन मतलब अभी कॉलिजन में टाइम है, उसके पहले का नेचर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद ये आपका एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन इसका मतलब होगा जस्ट बिफोर कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, और ये होगा आपका आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, मतलब इस तीन केस को अपने को स्टडी करना है। समझिएगा क्यों आपका ये तीन केस आ रहा है, मतलब एक व्हीकल आपका यहां से मूव आ रहा है। तो फर्स्ट हम लोग ले लेते कॉलिजन विथ पार्क्ड व्हीकल, कॉलिजन विथ पार्क्ड व्हीकल, पार्क्ड व्हीकल इसके लिए ले लेते हम लोग, ठीक है। कंडीशंस अगर एक समझ गए तो दूसरा केस तो आप इजीली बना सकते, मतलब ये व्हीकल यहां पे पार्क्ड है, व्हीकल बी की बात करूं तो व्हीकल बी आपका पार्क्ड व्हीकल है, और व्हीकल बी कौन है भाई, ये है व्हीकल बी, एंड व्हीकल ए आपका मूविंग व्हीकल है, व्हीकल ए आपका मूविंग व्हीकल, व्हीकल बी की स्पीड आपकी क्या है यहाँ पे जीरो है, मतलब वी की वैल्यू जीरो है, और ये आपका कुछ वी वेलोसिटी से आपका आ रहा है, वी जीरो नहीं है, ये आपका वी वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अब ये मूव करते, एसएसटी वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, मूव करते हुए आ रहे सडनली जैसे यहां पहुंचा आपका रिएक्शन आ गया, रिएक्शन के बाद यहां पहुंचते पहुंचते आपका ब्रेक लग गया, रिएक्शन इसके पहले होगा, पार्क्ड व्हीकल दिखा सामने की भाई पार्क्ड व्हीकल है, व्हीकल वी आपका रुका हुआ है, सोचा, थिंकिंग डेवलप हुई, ब्रेक लगा, और इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते मैं कहां से कंसीडर कर रहा हूं समझिएगा, आपने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लग गया, ब्रेक लगाएंगे तो इसके बाद वाले डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्किड मार्क बोलते क्या, मतलब व्हीकल आपका यहां पहुंच गया, व्हीकल ए जो है आपका यहां पहुंच गया, व्हीकल ए मूव करते करते आपका व्हीकल ए, बट टिल नाउ इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, वी डैश इसकी वेलोसिटी हो गई है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर आपका जीरो नहीं हुआ है आप बोलोगे इसका मतलब सर कॉलिजन तो पक्का है, एसएसटी में क्या मानते थे, इतना डिस्टेंस हो, मिनिमम डिस्टेंस इतना हो सो दैट जस्ट बिफोर कॉलिजन स्टॉप हो जाए व्हीकल, मतलब कॉलिजन होने वाला स्टॉप हो जाए, बट यहां पे हमने क्या बोला जस्ट बिफोर कॉलिजन अभी तक भी वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है, कुछ वी से घटकर वी डैश हो चुका है बट जीरो नहीं हुआ है, और अगर ऐसा कंडीशन है इट मीन्स दोनों के बीच में आपका कॉलिजन होगा, दोनों के बीच में आपका कॉलिजन हो जाएगा, तब जस्ट बिफोर कॉलिजन जस्ट आफ्टर कॉलिजन, बीच में दोनों को दिखा देता हूं कि दोनों के बीच टक्कर हो गई एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, दिखा दिया हमने, तो जस्ट बिफोर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी को हमने क्या दिखा दिया वी डैश, क्यों अभी कॉलिजन होने वाला था वी डैश,
ये तो बेचारा पहले से ही पड़ा हुआ था जीरो, वो तो कुछ मिला ही नहीं था, है कि नहीं? ओके, आपका कॉलिजन हो गया, एंड कॉलिजन के बाद क्या लिखा, क्या आपको क्या एजम्पशंस लिया गया है? आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा बोल दिया क्या है, प्लास्टिक कॉलिजन होगा। इसका मतलब वी डबल डैश स्पीड के साथ दोनों का दोनों व्हीकल एक साथ मूव कर रहा होगा, बस यही है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या पूछता है आपको, क्वेश्चंस आपसे ये पूछेगा कि जिस समय उसने ब्रेक लगाया था व्हीकल ए ने, उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, ये पूछता है आपका। और क्वेश्चंस में क्या क्या देगा आपको, क्वेश्चंस में क्या देगा देख लीजिए, क्योंकि जस्ट आफ्टर कॉलिजन इसको कितना वेलोसिटी मिल गया, वी डैश मिल गया। अब दोनों का दोनों एक साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा होगा ना। तो सिंपल सा कंसीडर करो ना कि आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास वी डबल डैश वेलोसिटी है, तो ये क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके आपका दोनों का दोनों रुक जाएगा क्या, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके दोनों का दोनों रुक जाएगा क्या, तो फाइनली स्टॉप हो जाएगा क्या। तो आपका ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा आपका, ये वाला भी आपका स्किड मार्क होगा, अगर मेजर कर रहे आप बोलोगे ये भी आपका सर स्किड मार्क होगा, स्किड मार्क्स टू बोलेंगे इसको, क्यों, क्योंकि सेकंड केस है आपका। और ये वाला डिस्टेंस जो आपने ब्रेक लगाया और यहां तक ये पहुंचा, यहां तक पहुंचा, तो इसको भी बोलेंगे स्किड मार्क ही बोलेंगे, है कि नहीं, स्किड मार्क। स्किड मार्क क्यों बोलते हैं भाई, अगर आप याद कीजिए ब्रेकिंग डिस्टेंस को क्या हमने बोला था, स्किड मार्क, स्किड, क्योंकि ब्रेक लगाओगे तो उसका इंप्रेशन आपका पैवमेंट पे आएगा ना, स्किड करते हुए जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ब्रेक लगाने से रोटेशन आपका स्टॉप हो जाता है, ओमेगा की वैल्यू जीरो होती है, ब्रेक का मतलब ये जीरो होता है, लीनियर वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, ये तो रहता ही है, तो ये तो सिंपली स्किड करते हुए जाएगा और यहाँ आके वेलोसिटी वी डैश हो गया आपका। स्किड मार्क्स V1, इसको स्किड मार्क 1 बोल देते, इसको स्किड मार्क 2 बोल देते, इसका मतलब इसके पहले प्योर फ्रिक्शनल मोशन आपका होगा, फ्रिक्शन के कारण आपका होगा, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद स्पीड कम होगा, कितना तक होगा, यहां तक पहुंच गया, या कॉलिजन क्या है आपका, एक्चुअल कंडीशन कॉलिजन का ये है। तो तीन केसेस आपको हमेशा बनेंगे, हमेशा तीन कंडीशंस बनेगा आपको, कोई भी एक्सीडेंट आंसर क्वेश्चन हो तीन केसेस बनेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हमेशा आप लास्ट स्टेप को कंसिडर कीजिएगा, मतलब लास्ट स्टेप को कंसिडर करके जब बनाना करोगे ना, आफ्टर कॉलिजन पहले लेंगे, फिर एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, फिर बिफोर कॉलिजन, तब आपको ये वाला वी का आंसर कम टाइम में आएगा। अब अगर सर फर्स्ट वाला लेंगे तो फर्स्ट वाला केस लोगे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्स्ट केस सॉल्व नहीं होगा, फिर सेकंड केस पे डिपेंड होगा, सेकंड केस जाओगे सेकंड केस आपका थर्ड केस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, थर्ड केस तक जाएंगे फिर वहां से रिजल्ट निकालेंगे, फिर बैक में आकर आंसर सेकंड केस में पुट करेंगे, सेकंड का आंसर आएगा, फिर सेकंड केस से आप थर्ड के फर्स्ट केस में जाओगे वहां आंसर पुट करोगे तो आपको आंसर आएगा, का मतलब एक ही चीज को आपने दो बार किया, समझते, देख लेते हैं क्या आपका। चलिए, तो आपको हमने क्या बोला था, या तो आप इक्वेशन जो आपका मोशन है मोशन इक्वेशन लगाइए, बट मैं बिलीव किस में करता हूँ, वर्क इनर्जी थ्योरम में, और आपको याद हो तो हमने एसएसटी में भी ये बताया था, ठीक है, आप क्वेश्चन और मोशन से भी हम निकाल के बता दिया था, तो मैंने बोला था नहीं वर्क इनर्जी थ्योरम थोड़ा ज्यादा आसान है, नहीं वर्क इनर्जी थ्योरम लगाएं। वर्क इनर्जी थ्योरम कहने का मतलब आपका इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, इसके मास को एम ए बोलेंगे और इसके मास को एम बी बोलेंगे, ठीक है ना, तो एम ए पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, आप बोलोगे फ्रिक्शनल कॉफिशियंट एफ, म्यू ले लेता हूं यहाँ पे, म्यू म्यू टाइम्स एम ए जी, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, स्किड मार्क्स इसको बोल देते S1 बोल देते और इसको बोल देते S2 बोल देते, S2 तो आप बोलोगे डॉट S2 S1 इस आपका वर्क डन निकल गया क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये वाला टर्म्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी ओके, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये भी निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो हाफ एम ए बी स्क्वायर प्लस, और यहां से अगर आप चेक करोगे तो वी जो आप निकालोगे एम ए से एम ए देखिए कैंसल आउट हो गया, वी की वैल्यू जो होगा अंडर रूट
म्यूजी एस वन। अब ये देखो क्वेश्चंस में आपको आपके पास डाटा क्या क्या हुआ बता दे रहा हूं। स्किड मार्क आपको दोनों दे देगा, स्किड मार्क आपको दोनों दे देगा, म्यू की वैल्यूज आपको दे देगा, सरफेस पे आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है। नहीं होगा तो आईआरसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे आईआरसी के अकॉर्डिंग। लॉन्गिट्यूडनल कितना होता है 0.35 टू 0.40, बट ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चंस दे ही देता है आपको, क्वेश्चंस दे देगा। चलिए तो यहां से क्या होगा वी की वैल्यू। अब बताइए ये क्वेश्चंस आपको, जस्ट ए मिनट, या यहां से आपको S1 स्किड मार्क्स आपको गिवन होगा, तो V की वैल्यूज तो डायरेक्ट निकल जा रहा है। ओके यहां पे तो आ जा रहा है आपका, देखते हैं। चलिए सेकंड केस में देखते हैं, जस्ट ए मिनट जस्ट ए मिनट, वही तो दिख रहा है, नहीं आएगा, जस्ट ए मिनट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या था आपका, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग दैट हाउ आंसर ऑफ एंड फर्स्ट स्टेप वी आर डिटरमाइनिंग। या तो इनिशियल क्या था, हाफ एम ए वी स्क्वायर, एंड फाइनली क्या हो गया, हाफ एम ए वी डैश स्क्वायर। क्या है आपका वी डैश स्क्वायर, यहाँ के वेलोसिटी कितना हुआ, वी डैश हो चुका है, एम ए से एम ए कैंसल आउट, और अगर आप देखें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर, इसकी वैल्यूज कितनी होगी, वी स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, जैसे लिख देता हूं, यहां से आपका आएगा वी स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू टू म्यू जी एस वन। या ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखिए S1 आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, म्यू गिवन होगा ये तो पता होगा, बट ना तो आपको वी पता है ना तो आपको वी डैश पता है। क्वेश्चन में सिर्फ दो ही डाटा दिया है, स्किड मार्क्स फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और आपसे पूछा क्या है, ये वी पूछेगा कि जिस समय आपने ब्रेक लगाया था उस समय कितनी वेलोसिटी थी व्हीकल की, व्हीकल ए की, वो पूछता है क्वेश्चन में, जब भी पूछेगा यही पूछेगा आपको। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप में सॉल्व नहीं हुआ, सेकंड स्टेप क्या है, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो आप बोलोगे एम ए वी डैश, एम ए का क्या है वी डैश प्लस एम बी इंटू जीरो, जीरो है इक्वल्स टू आफ्टर कॉलिजन बोथ व्हीकल मूव्स टुगेदर एम ए प्लस एम बी, क्वेश्चन मास तो गिवन ही होगा वी डबल डैश। तो आप यहां से रिलेशंस देखोगे, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा आपका, यहां से जो रिलेशन आएगा क्या आ जाएगा, वी डैश विल बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा वन प्लस एम बी अपॉन एम ए इंटू वी डबल डैश। अब देखिए मास गिवेन होगा बट ना तो अपने को वी डैश पता है ना तो वी डबल डैश पता है, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे सॉल्व हो पाएगा क्या, यहाँ पे भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इट मीन्स यू विल गो टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी दोनों व्हीकल की वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट हो चुकी है, एक साथ मूव कर रहा है, अभी आपका कंबाइंड मास कितना हो गया है एम ए प्लस एम बी, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, आप बोलो सर म्यू से मल्टीप्लाई कर दो इनटू जी बोल दो, फ्रिक्शन फोर्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस टू निगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट इधर है फोर्स इधर लग रहा है निगेटिव है, निगेटिव में बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल ना बोलकर इनिशियल माइनस फाइनल, मीन्स वर्क एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल है आपका आप एम ए प्लस एम बी वी डबल डैश स्क्वायर, वी डबल डैश स्क्वायर, और फाइनल आपको कितना हो गया जीरो हो गया क्योंकि दोनों व्हीकल जीरो हो गया। अब देखिए एम ए प्लस बी, एम ए प्लस बी कैंसल आउट हो गया, एंड वी डबल डैश की बात करें तो वी डबल डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट टू म्यू जी एस टू। क्वेश्चन में हमने क्या बोला था, एस टू गिवन होगा म्यू गिवन होगा, क्या लग रहा है आपको, तो ये थर्ड इक्वेशन बन गया आपका, ठीक है, क्या लग रहा है आपको, ये वाला वी डैश डबल डैश आ जाएगा क्या, और वी डबल डैश आ जाएगा तो यहाँ पे पुट कर दो, वी डबल डैश से पुट करोगे वी डैश आ जाएगा क्या, और
और वी डैश की वैल्यू यहां पुट कर दो तो वी की वैल्यू निकल जाएगा। इट मींस जो क्वेश्चंस पूछा था आपको वो सॉल्व हो जाएगा। टेक्निक क्या था क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्वेश्चंस का आपका यही है। बट हमने क्या बोला था, आप लास्ट स्टेप से अगर मूव करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। लास्ट स्टेप से मूव करने पे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, ये हमने बोला था। क्यों? क्योंकि यहां से क्योंकि दिमाग में सोच तो सकते हैं ना, आफ्टर कॉलिजन बोथ व्हीकल मूव्स टुगेदर। ओके, तो पहले इसी का इक्वेशन लिखेंगे, उसके पहले कॉलिजन वाला टाइम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। लगा दिया, सेकंड स्टेप बन गया, उसके बाद फर्स्ट स्टेप। अदरवाइज इफ यू वांट तो आप पहले ये लिख लो, फिर ये लिख लो, फिर ये लिख, तीनों के बीच रिलेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हुए फिर से बैक डायरेक्शन में जाओ, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट केस का। अब सेकेंड केस हम लोग बात करेंगे, कॉलिजन एट इंटरसेक्शन। कॉलिजन एट इंटरसेक्शन, यही दो केस जो है आपका जिसके बारे में स्टडी करना है, कॉलिजन एट इंटरसेक्शन, ठीक है ना। ओके, आपका 2020 में क्वेश्चन आया था जो कि इसके कॉन्सेप्ट पे बेस था, बट एक्चुअली में उसने पूछा था आपको साइड ट्रायंगल। बट आप बोलोगे कि वहां पे जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट कुछ इससे मैच कर रहा था, एक्सीडेंट एनालिसिस से थोड़ा बहुत मैच करता हुआ आपका उसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था वहां पे। चलिए, तो आपका मान लीजिए इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है, एंड इस इंटरसेक्शन पे कॉलिजन की बात अपन करना है ना, अपन को करना है। इसका मतलब क्या है, एक व्हीकल इधर से मूव करते हुए आ रहा है, एक को व्हीकल ए ले लेते, एक व्हीकल बी ले लेते, ये आपका व्हीकल बी, और इधर इस डायरेक्शन से एक व्हीकल मूव करते हुए आ रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ व्हीकल ए, ये आपका व्हीकल ए। अब ये मत कहना सर इधर तो डायरेक्शन तो यहां से आएगा ना, अपन को कॉलिजन कराना है बस, इस डायरेक्शन में यहां ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपका ये व्हीकल ए था, व्हीकल ए व्हीकल बी इधर से मूव करते करते व्हीकल ए आया, हो सकता है इस लाइन के इधर, ये लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ साइट हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा ना, इसके इधर मान ली इधर एक बिल्डिंग बना हुआ है, इधर आपका कोई बिल्डिंग बना हुआ है, इधर आपका बिल्डिंग पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। इट मींस इसके इधर से व्हीकल जब आ रहा होगा तो उसको दिखा नहीं होगा व्हीकल भी, ये भी आ रहा होगा इसको भी नहीं दिखा होगा, बट जैसे ही इस पॉइंट पे ये पहुंचा दिख गया, और दिख गया तो मान लीजिए कि यहां पहुंचते पहुंचते क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा। तो मान लेते हैं कि चलो ठीक है, दिखने के बाद ब्रेक यहीं पे लगा, मतलब थोड़ा बहुत और टाइम थोड़ा सा दे देते हैं कि भाई इधर पहले ही दिखा था, इधर कहीं दिखा था और यहां आने के बाद इसका ब्रेक लग गया। चलिए, तो व्हीकल ए ने यहां पे ब्रेक लगा दिया और व्हीकल बी को दिखा होगा तो ये भी क्या करेगा, अपने स्पीड को कम करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि दोनों इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जा रहे हैं और दोनों अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो कॉलिजन होने की पॉसिबिलिटी है। दोनों में किसी की स्पीड अगर जीरो नहीं हुई तो कॉलिजन 100% है। एक का स्पीड जीरो हो जाए, दूसरे का नहीं हो, फिर दिक्कत है, ठीक है नहीं। चलो देखते हैं इस केस में क्या होगा। ये व्हीकल मान लिया कि यहां पहुंच गया, ये व्हीकल यहां पहुंच गया और जिस समय इसने ब्रेक लगाया था उस समय इसकी वेलोसिटी को मैं बोल देता हूं उस समय वी ए, और जिस समय इसने ब्रेक लगाया था उस समय इसकी वेलोसिटी थी बी बी, और जब आपका यहां पे पहुंचा उस समय वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं हुई और नहीं हुई, और इसका मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। ये था व्हीकल ए, ये है व्हीकल बी, और इसकी भी वेलोसिटी को आप भी जनरल केस ले रहे जीरो नहीं कर रहा, मतलब इसकी वेलोसिटी भी वी बी डैश एंड वी 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 ए डैश दोनों की वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच कॉलिजन होगा, ये तो 100% है। तो ये बता दो ये फर्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा के यहां पहुंच गए, तो कॉलिजन से पहले स्किड मार्क होता है क्या, स्किड मार्क होगा क्या, इसको बोल देते व्हीकल ए के द्वारा है एस ए वन, और ये आपका व्हीकल बी के द्वारा है, इसको बोल देंगे, इसको बोल देते हम लोग एस बी वन। चलिए ओके, आफ्टर कॉलिजन हो सकता है व्हीकल ए का डायरेक्शन ये हो जाए एंड व्हीकल बी का डायरेक्शन इधर जा रहा था तो ये इधर से इधर मुड़ गया, आपका व्हीकल बी का डायरेक्शन ये हो जाए, ठीक है, ये
ये आपका वैकल बी और ये है आपका वैकल ए का डायरेक्शन, ठीक है। और इन बिटवीन दिस आपका दोनों के बीच कॉलिजन हुआ है, तो आफ्टर, जस्ट आफ्टर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? जस्ट बिफोर कॉलिजन वी ए डैश, जस्ट आफ्टर कॉलिजन इसको बोल देते वी ए डबल डैश, और इसकी वेलोसिटी को बोल देते वी बी डबल डैश। नोटेशंस सेम रख रहा हूं मैं, सिर्फ चेंजेस क्या कर रहा हूं, सिर्फ चेंजेस मैं कर रहा हूं। आपका दो व्हीकल है, दोनों व्हीकल का डायरेक्शन, अब देखिए इसका डायरेक्शन आपका ये हो गया, कॉलिजन हो गया, दोनों सेपरेट हो गए और दोनों का अपना अपना डायरेक्शन आपका यहां पे हो गया, ठीक है। आपका वेलोसिटी यहां पे जस्ट आफ्टर कॉलिजन कितना वेलोसिटी मिला है दोनों को, ये भी हमने नोट डाउन कर लिया। अब ये बताओ इसके बाद क्या होगा, व्हीकल ए कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगा कि नहीं रुकेगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा। व्हीकल ए की बात करें तो यहां पहुंच के क्या होगा, आपका वी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। वैसे ही व्हीकल बी भी अपने डायरेक्शन में पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फिर से स्टॉप होगा कि नहीं होगा इसकी वेलोसिटी? आप बोलोगे इसकी वेलोसिटी सर 0 हो जाएगी, क्लियर है। तो यहां से स्किड, मतलब अब फिर से वही वाला केस, स्किड करते हुए जाएगा, स्किड करते हुए इसके स्किड डिस्टेंस को बोल देते एस ए टू और इसको बोल देते एस बी टू। एस ए वन ए व्हीकल का फर्स्ट वाला स्किड और ये सेकेंड वाला स्किड, बिफोर कॉलिजन जो स्किड होता है सो, और ये आफ्टर कॉलिजन जो स्किड होता है, दो व्हीकल इसलिए हमने ए और बी के टर्म्स में लिया। अब देखिए चेंजेस क्या, आपका एंगल जो होगा वो क्या होगा? एंगल मैं फिर से बोल रहा हूं आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, यू आर फ्री टू टेक एंगल एज पर योर कन्वीनियंट। मेरा कंसिडरेशन क्या है मैं बता रहा हूं, व्हीकल बी का ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था, ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना डेविएट हो रहा है मैं उसके बेसिस पर ले रहा हूं। बट मैं फिर से बोलूंगा इसका ये मतलब कतई नहीं कि आप इससे नहीं ले सकते, आप ले सकते। मैं कंसिडर कर रहा हूं थीटा बी एंड थीटा बी बोल रहा हूं व्हीकल बी अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना एंगल डेविएट हुआ। ओरिजिनल डायरेक्शन व्हीकल बी का ये था बट अभी आपका मूव कर रहा है इधर, उसको थीटा बी, एंड थीटा ए अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना डेविएट हुआ, और इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, इसको मैं बोल रहा हूं थीटा ए। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर कंफर्टेबल विथ दिस एंगल देन यू कैन टेक दिस एज थीटा ए, इफ यू आर कंफर्टेबल विथ दिस एंगल देन यू कैन टेक दिस एज थीटा बी। आपके और हमारे कंसिडरेशन में अंतर क्या होगा, जहां पे आपका साइन थीटा होगा वहां पे मेरा कॉस थीटा, जहां पे आपका कॉस थीटा होगा वहां पे मेरा साइन थीटा होगा। क्यों भाई? क्योंकि आप जिसको थीटा बोल रहे हो वो मेरा है 90 माइनस थीटा, वो मेरा क्या है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा अगर होगा तो एंगल तो चेंज होगा ही बट रिजल्ट एग्जैक्टली सेम होगा, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, क्लियर है ना। बस अब इसके बाद फिर से पहुंच जाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये था अपने का पहले केस स्टडी, मतलब क्या होगा एक्चुअली में, आपका किस तरह का सिनेरियो वहां पे बनेगा, एक्सीडेंट एनालिसिस के केस में किस तरह के सिनेरियो आपको आते हैं, उन चीजों को हमने देखा, क्लियर है। अब समझते हैं कि क्या होगा, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब तीन केसेस बना लो भाई, तीन केसेस बना लो, तीन कॉलम आप सीधा खींच दो, क्या एक ही चीज यहाँ पे होगा? वहां पे थ्री इक्वेशंस थे, यहाँ पे सिक्स इक्वेशन आएंगे। क्यों सिक्स इक्वेशन आएंगे? क्योंकि यहाँ पे दो दो डायरेक्शन से व्हीकल मूव कर रहा है, ये आपका होगा बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन क्या लेते हैं स्किड मार्क वाला, बिफोर कॉलिजन ये है आपका एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, और ये है आपका आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन या ये आपका हो गया, ठीक है। तो समझते हैं इसको, बिफोर कॉलिजन मतलब स्किड मार्क, स्किड मार्क का मतलब
व्हीकल ए के लिए भी होगा, व्हीकल बी के लिए भी। इसके लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और इसमें भी आपका वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, दो बार लगेगा, दो इक्वेशन बनेगा क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर व्हीकल ए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ब्रेक लगाया यहां तक मूव किया आया, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आप बोलोगे मास एम ए बोल देता हूं इसको, इसका क्या हो जाएगा म्यू टाइम्स एम ए जी इंटू एस ए वन। अब देखो क्वेश्चन में डाटा क्या क्या हुआ बता देता हूं आपको, स्किड मार्क दे देगा क्वेश्चन में, स्किड मार्क आपको इनिशियल वाला भी और फाइनल वाला भी दे देगा, आफ्टर कॉलिजन कितने एंगल पे वो जा रहा है, कितने एंगल पे जा रहा है वो दे देगा, और ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि मैंने जिसको एंगल लिया उसी के बेसिस पे देगा, नहीं, आपको सिंपली दे देगा आफ्टर कॉलिजन व्हीकल ए विल मूव्स, आपका हो जाएगा क्या नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, व्हीकल ए का बोल देगा, व्हीकल बी का बोल देगा कि व्हीकल बी विल मूव 60 डिग्री सॉरी नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट दे देगा, इस तरह से आपको दे देगा। ओके क्या फर्क पड़ता है, आफ्टर कॉलिजन व्हीकल ए इधर जाएगा, व्हीकल ए का डायरेक्शन ये होगा, व्हीकल बी का डायरेक्शन ये होगा, क्यों, ये आपका एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा, ये नॉर्थ है तो ये वेस्ट होगा, इधर आपका ईस्ट होगा, नहीं तो आपका व्हीकल बी का डायरेक्शन इधर होगा। अब व्हीकल बी का एंगल आप क्या मान रहे हो उस पर देख लो, जोड़ लो, व्हीकल बी जिधर भी जा रहा है जिससे भी मेजर करना है कर लो, लेकिन नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे क्योंकि ये एंगल क्या, अगर ये इधर जाए भी जा रहा हो क्या फर्क पड़ता है भाई, एंगल तो निकाल ही सकते ना, एंगल बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपको, ठीक है ना, या तो एंगल आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया हमने, विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक, ये निगेटिव है तो इनिशियल माइनस फाइनल, आप एम ए वी ए स्क्वायर माइनस आप एम ए वी ए डैश स्क्वायर, यहां से आप देखोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, वी ए स्क्वायर माइनस वी ए डैश स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू टू म्यू जी एस ए वन, आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप व्हीकल बी की बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स एम बी जी, डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, सिंपली आप बोलोगे वी बी स्क्वायर माइनस वी बी डैश स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू टू टाइम्स म्यू जी एस पी वन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि सेम आपका सेम प्रोसीजर होगा आपका आ जाएगा, या एट द टाइम ऑफ कॉलिजन। अब ये सबसे बड़ा लूचा है भाई, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन क्या करें, कैसे लगाए मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाओगे, ये मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है इट मींस यू विल टेक मोमेंटम कंजर्वेशन वेक्टरली, क्यों भाई, क्योंकि ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं ना, चलो सर बिफोर कॉलिजन इसका मोमेंटम था एम ए वी ए डैश प्लस एम बी वी डैश इक्वल्स टू एम ए वी ए डबल डैश प्लस एम बी वी बी डबल डैश, क्यों भाई, स्केलर क्वांटिटी था क्या, दोनों को ऐड करके दोनों को सीधा इक्वेट कर दिया, स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब वो आपका डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, व्हीकल ए का मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, इसको अगर मैं बोलता हूँ एक्स डायरेक्शन और इसको मैं बोलता हूँ अगर वाई डायरेक्शन, तो अगर वाई बोलता हूँ आप बोलोगे कि सर इनिशियली व्हीकल ए का मोमेंटम ओनली एक्स डायरेक्शन में था और बी का मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या था, जीरो था, तो आप मोमेंटम एक्स डायरेक्शन के अलावा लगाओगे, एक बार मोमेंटम वाई डायरेक्शन में जाओगे, इनिशियली बी का मोमेंटम वाई डायरेक्शन में था बट व्हीकल ए का मोमेंटम जीरो था, लेकिन यहां पे कुछ एंगल पे है आफ्टर कॉलिजन, ए का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में भी है वाई डायरेक्शन में भी है, बी का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में भी है वाई डायरेक्शन में भी है आफ्टर कॉलिजन आपका, तो आपको एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन में लेना है, ये नहीं कि सीधा भाई इसको लगा दो एम ए वी ए डैश इक्वल टू एम बी वी डैश
बी डैश इक्वल्स टू एम ए वी ए डबल डैश इक्वल्स टू एम बी 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 डबल डैश। बहुत लोग ऐसे जल्दीबाजी में कर देते हैं भाई, समझना पड़ेगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हो जो कि डिपेंड करेगा डायरेक्शन। तो मैं बोल रहा हूँ अलोंग एक्स डायरेक्शन पहले लगा देते, अलोंग एक्स डायरेक्शन। और एक्स डायरेक्शन में अगर आप लगाओगे, आप बोलोगे जस्ट बिफोर कॉलिजन सिर्फ और सिर्फ एम ए वी ए डैश था। क्यों भाई? ये जीरो था आपका, वी बी डैश उस डायरेक्शन में वेलोसिटी था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका वेलोसिटी क्या था, वाई डायरेक्शन में था, मोमेंटम जीरो। बट अब आते हैं ए के बारे में, इस एक्स डायरेक्शन में क्या होगा भाई, थीटा ए बोला हूं, ये थीटा ए है ना आपका। आप बोलोगे एम ए वी ए डबल डैश कॉस थीटा ए, कॉस थीटा ए। तो थीटा ए आपने किससे लिया है, एक्स एक्सिस के साथ लिया है, तो इसको बोलेंगे क्या, आप बोलोगे विल बी इक्वल्स टू एम ए वी ए डबल डैश, वी ए डबल डैश डायरेक्ट नहीं है, कॉस थीटा ए। ये क्या खत्म हो गया क्या? नहीं, वैकल बी का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, और ये क्या आएगा आपका, ये साइन वाला, क्योंकि थीटा इसके साथ आपने लिया है, तो आपका हो जाएगा ये बी वी डबल डैश का जो साइन कंपोनेंट होगा उसको आप लोगे, वो क्या हो जाएगा आपका, प्लस एम बी वी बी डबल डैश साइन थीटा बी, साइन थीटा बी। ठीक है, तो एंगल आप अपने मर्जी से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, यहां तो आपको आ गया, क्या ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा? नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग इसमें बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार बहुत खतरनाक है, गलत फहमी में हो, कोई खतरनाक है ही नहीं। क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, क्या मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है क्या? में खतरनाक लग रहा है, बट एक्चुअली में वो खतरनाक नहीं है, वहां पे न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ रहेगा, वो चीजें छोटा टर्म्स बन जाएगा। अब सोचो, एक वेलोसिटी हमने बोल दिया इस डायरेक्शन में वी बी डबल डैश है, और ये वाला एंगल अपने को बोल रहा है कि ये थीटा है, अब क्या बोलोगे, इधर कितना हो जाएगा वी बी डबल डैश कॉस थीटा, और इधर आपका कितना हो जाएगा वी बी डबल डैश साइन थीटा। हो गया, इसका काम आपका आपने कर दिया, तो ये बताओ कि क्या दिक्कत है। वी बी इसी में मास से मल्टीप्लाई कर दो एम बी, मास से मल्टीप्लाई कर दो एम बी, हो गया मोमेंटम आपका आ गया दोनों का डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना हुआ, इस डायरेक्शन में कितना हुआ, सिमिलरली ए का। तो करना क्या भाई, मास इंटू वेलोसिटी, और तो कुछ करना ही नहीं है, आई को फ्रस्ट्रेट होना, आई को ज्यादा सोचना, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होइएगा कि अरे यार इतना खतरनाक, खतरनाक है ही नहीं, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, सेकेंड केस की बात करते, सेकेंड बोलते हैं अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की अगर बात करें, आप बोलोगे उसमें से एम बी वी बी डैश का मोमेंटम तो है, क्यों भाई, ए का क्या हो गया, ए आपका प्योरली एक्स एक्सिस में है, इसका मोमेंटम क्या हो गया वाई में, जीरो हो गया, जीरो कर दिया, ओके विल बी इक्वल्स टू, अब ए का वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, बी का वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन देख लेते हैं। ए का थीटा आपने इससे लिया है, ये होगा साइन कंपोनेंट, एंड बी का थीटा आपने वाई एक्सिस से ही लिया है, तो ये हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, और कोई दिक्कत, बस। तो आपका यहां से क्या जाएगा, एम ए बी ए डबल डैश, अब कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, साइन थीटा ए, प्लस एम बी वी बी डबल डैश, अब कौन सा कंपोनेंट, वाई एक्सिस के साथ ही एंगल लिया है, क्या हो जाएगा आपका, कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा बी। इक्वेशन फोर्थ बन गया आपका, बट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, एक भी केस का अभी तक आंसर नहीं आया है, अगर आप देख ले तो, क्यों, आपके पास ऐसे पता है, एस बी पता है, यू पता, बट क्या वी ए डैश पता है, क्या वी ए पता है, वी ए तो पूछता ही है, ये तो सबसे लास्ट वाला जब भी पूछेगा ना, तो ये लास्ट वाला ही पूछेगा, स्टार्टिंग में कितना वेलोसिटी था यही पूछता है आपका, ठीक है ना, तो क्या ये वाला होगा क्या, वी भी नहीं मिला, अब क्या करेंगे, अब बोलोगे सर नेक्स्ट स्टेप तो जाना पड़ेगा, और आफ्टर कॉलिजन अब दोनों अपने अपने डायरेक्शन में हो गए, एक अपना इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें जा रहा है, इस डायरेक्शन में वर्क एनर्जी थ्योरम, एक बार इस डायरेक्शन में वर्क एनर्जी थ्योरम, इस मींस अब आपका
दोनों वेलस वैकल के डायरेक्शन की बात करें तो आप बोलोगे वैकल ए के लिए वर्क, आपका वर्क डन कितना होगा, आप बोलोगे फ्रिक्शन फोर्स म्यू टाइम्स एम ए, म्यू टाइम्स एम सी इंटू स्केड मार्क कितना है भाई एस ए टू विल बी इक्वल्स टू इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल क्यों करते हैं पता है आपको, बता चुका बहुत बार यूज कर चुका है, एम ए वी डबल डैश स्क्वायर माइनस। और यहां से अगर आप देखें वी ए डबल डैश की वैल्यू आपको आ जाएगी अंडर रूट टू म्यू जी एस ए टू, क्योंकि एम ए से एम ए आपका कैंसल आउट, डायरेक्टली आपको ये वाला रिजल्ट देखिए आ जाएगा। सेकंड आपको बोलेंगे म्यू टाइम्स एम बी जी इंटू एस ए टू विल, सॉरी एस बी टू विल बी इक्वल्स टू आप एम बी वी बी डैश स्क्वायर इनिशियल वाला माइनस फाइनल जीरो। और यहां से आपका जो वी बी डैश की जो वैल्यू होगी, वी बी डबल डैश की जो वैल्यू होगी दैट विल बी टू म्यू जी एस बी टू। और आप अब इक्वेशंस को गौर कीजिए, वी वी डैश वी ए डैश में जो भी टर्म्स हैं सारे आपके लिए नोन वैल्यूज हैं, सारे नोन वैल्यूज हैं। और अगर सारे के सारे नोन वैल्यूज हैं तो आप यहां से क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर यहां से एक चीज तो क्लियर है कि ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी, और ये दोनों आएगा तो आप आ जाओ थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन वी ए डैश वी बी डैश, थीटा तो पता है ना बाबा, मास तो पता है ना, तो क्या निकल जाएगा वी ए डैश आपका अननोन रहेगा वी ए वी बी डैश, ये निकल जाएगा क्या, और वी ए डैश वी बी डैश निकल गया तो वी ए और वी बी की वैल्यूज आ जाएगी। मतलब आपका जो फर्स्ट स्टेप विच यू वॉन्ट टू कैलकुलेट यू कैन डिटरमाइन। तो प्रोसेस क्या है, एक्सीडेंट एनालिसिस का मेथड क्या है भाई, लास्ट से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पे, लास्ट से स्टार्ट करके फर्स्ट पे आना है, यही मेथड है आपका, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, आफ्टर दैट आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो, मतलब आज का जो लेक्चर्स है ये आपका एक्सीडेंट एनालिसिस का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो एक्सीडेंट एनालिसिस की बात कर रहे थे, एक क्वेश्चंस आपको दे दिया है, क्वेश्चंस में क्या दिया है समझ लेते हैं, यहाँ पे टेबलर फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका वैकल की बात कर रहे हैं, वैकल वैकल ए है वैकल बी है, इधर वैकल ए एंड इधर आपका वैकल बी, ठीक है। उसके बाद वैकल ए की बात करें तो आपका पहले मान ले मास दे दिया है आपको, मास दे दिया आपका सीधा आपको 600 केजी दे देता हूँ या आपका 500 केजी दे दिया या सिंपली एम टू के टर्म्स में रखने के लिए ऐसा करते एक को 500 केजी कर देते एक को 1000 केजी कर देंगे, तो एम और इसको 2m बोल सकते हैं ना, इसलिए रख लो चलिए ठीक है। मास अपने को दे दिया, आपका स्किड मार्क जो है स्किड मार्क वन मतलब वन एस वन इसको सीधा बोल देंगे, ये आपको दे दिया 20 मीटर, ये आपको दे दिया 30 मीटर, आपका एस टू की वैल्यूज दे दिया है 15 मीटर, इसकी वैल्यू दे दिया 10 मीटर। आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन जो डायरेक्शन होगा वो दे दिया आफ्टर आपका, आफ्टर कॉलिजन डायरेक्शन जो होगा इसका नॉर्थ ए की बात करें नॉर्थ आपका 30 डिग्री वेस्ट, और ये आपका ले लिया हमने नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। वैकल ए का डायरेक्शन क्या है, इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन जो है आपका वैकल ए का वेस्ट टू ईस्ट, और यहाँ पे आपको दे दिया आपका साउथ टू नॉर्थ, ये दे दिया क्लियर है। एंड म्यू की वैल्यूज आपको
0.5 दे दिया, क्लियर है। और आपसे पूछा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एट विच ब्रेक विल बी अप्लाइड बाय बोथ व्हीकल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा वो आपसे पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ व्हीकल, बोथ व्हीकल, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। और आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाना है, ऐसे बनेगा, समझते। अब आप सिर्फ डायरेक्शन निकाल लो भाई, क्योंकि अपने को केस स्टडी तो देख चुके हैं। व्हीकल ए का डायरेक्शन क्या था, ये है आपका व्हीकल ए का डायरेक्शन, क्यों भाई आप लिख दो यहाँ पे, दिखा दो, नॉर्थ साउथ, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, ठीक है। आपका व्हीकल ए का जो डायरेक्शन होगा ये आपका ये होगा, व्हीकल बी की जो डायरेक्शन की बात करें तो व्हीकल बी का डायरेक्शन आपका इधर होगा, व्हीकल बी का डायरेक्शन। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन आपको दिया व्हीकल ए नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट मींस आफ्टर कॉलिजन, मतलब पहले इधर जा रहा था व्हीकल, अभी जो इसका व्हीकल ए का जो डायरेक्शन है वो ये है, और ये आपका कितना एंगल है 30 डिग्री। व्हीकल बी स्ट्रेट जा रहा था बट अभी किधर आ गया, व्हीकल बी आपका इधर आ गया, ये व्हीकल बी का डायरेक्शन, ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट आप, क्लियर है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे क्वेश्चन, स्टार्ट कहां से करोगे, लास्ट वाला केस, लास्ट वाला केस का मतलब इस डायरेक्शन में आपका स्किड करते हुए जाएगा, स्किड करते हुए जाएगा, ये व्हीकल आपका इस डायरेक्शन में स्किड करते हुए जाएगा। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी वी बी डबल डैश बोलते थे, यहाँ पे वी ए डबल डैश बोलते थे, आपकी मर्जी, आप वहीं से वी ए लो, वी ए डैश, वी डबल डैश निकालो, मतलब इनिशियली वी डबल डैश आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत, आप पे डिपेंड करता है। मैं वही नोटेशन ले रहा हूँ, वी ए डैश, वी ए डबल डैश, वी बी डबल डैश। तो चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाए फॉर व्हीकल ए, फॉर व्हीकल ए, व्हीकल ए के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्ट लगा, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाना है ये चीजें मैं बता रहा हूं। आप वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे लगाओगे तो आप बोलोगे व्हीकल ए यहां से यहां तक स्किड मार्क दिया है क्या, S2 आपको दिया 15 मीटर या S2 गिवन है, तो आप बोलोगे वर्क डन मीन्स आपका कितना होगा म्यू टाइम्स MAG इंटू SA2 विल बी इक्वल्स टू, आप इनिशियल वाला आप एम ए, अब इसको अगर वी लेना है तो वी ले सकते हो, बट मैं इसको लूंगा वी ए डबल डैश स्क्वायर माइनस जीरो, यहां से आपको ये वाला टर्म्स कैंसल आउट एंड वी ए डबल डैश की जो वैल्यू होगी दैट विल बी अंडर रूट टू म्यू जी एस ए टू। और देखिए सिमिलरली व्हीकल बी की बात करें, अगर हम व्हीकल बी की बात करें इसका भी क्या आ जाएगा, वी बी डबल डैश की वैल्यू क्या होगा अंडर रूट टू म्यू जी एस बी टू, और इसकी वैल्यूज निकाल लो आप 2 × 0.5, चलो जी की वैल्यू 10 ले लेते, जी की वैल्यू 10 ले लेते, 10 इंटू एक जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा एस ए टू की वैल्यू 15 है, और इसकी मैं आपका जो वैल्यूज दिया है 2 × 0.5 × 10 इंटू इसकी वैल्यूज कितनी दी है आपको, या 10 मीटर आप ये वाले वैल्यूज कितनी हो जाएगी, ये तो आपको 10 आ जाएगा अंडर रूट 10 100 का मतलब 10 आ जाएगा, या 10 किलोमीटर पर आवर, अच्छा ओके हुए आप सारा कुछ मीटर में ले रहे हो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा क्या, मीटर पर सेकंड, जी आपका मीटर पर सेकंड में है, आपका एस ए टू भी मीटर में आप ले रहे हो, आपको मीटर पर सेकंड होगा क्या, मीटर पर सेकंड में। चलिए इसकी वैल्यूज कितनी आ रही, अंडर रूट 150 आ रहा ना, या 150 की वैल्यू 5√6 का मतलब 12.25 मीटर पर सेकंड,
ये आपका देखिए निकल गया, मतलब डायरेक्टली अपने को क्या आंसर मिलते जा रहा है, ये आपका लास्ट वाला केस हमने लिया था, कौन, आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन से क्या हुआ आपको डायरेक्टली आ गया, ठीक है। अब आ जाते एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, इस डायग्राम को अपने की जरूरत, अपने को इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, इसको आप बना के रखना, ये आपका नॉर्थ, यहां से ये 60 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। और हमने क्या बोला था, आप इस पे मत जाना कि भाई आपका एंगल क्या है, ठीक है। ये था ए का डायरेक्शन, ये था आपका बी का डायरेक्शन, तो समझते हैं। अब अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग मोमेंटम कैसे लगाएंगे हम लोग, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई दोनों के में आपका क्या करेंगे, मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे। तो बिफोर कॉलिजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन सिर्फ व्हीकल ए था एक्स डायरेक्शन में, आप बोलोगे एम ए वी ए डैश, कभी कॉलिजन होने वाला था उसमें वी ए डैश प्लस एम बी वी बी डैश इन वाई डायरेक्शन जो कि जीरो है इक्वल्स टू, अब इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट, आप बोलोगे एम बी वी बी, ये क्या है आपका जस्ट आफ्टर कॉलिजन, जस्ट आफ्टर आपने क्या निकाला था वी ए डबल डैश वी बी डबल डैश, जस्ट बिफोर कॉलिजन वी ए डैश वी बी डैश, एट द टाइम व्हेन ब्रेक अप्लाइड वी ए वी बी, या ये नोटेशंस मैं फॉलो कर रहा हूं, ये अपने को मिल चुका है, ये अभी निकालने के प्रोसेस। तो वी ए डबल डैश एंड वी बी डबल डैश, वी बी डबल डैश का ये वाला अगर थीटा है 60 तो आप वो 30 भी लिख सकते, आपकी मर्जी, मैं तो पहले ही बोल रहा हूं, आप इसको 30 भी ले सकते, इसको भी ले सकते, आप जिसको चाहे, ये 30 है तो ये 30 अगर लिखेंगे तो कोई बात नहीं, तो थीटा 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 के टर्म में लिख लेते हैं हम लोग, बाद में थीटा को 30 डिग्री रख देंगे, इसका ये क्या हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, ये हो जाएगा आपका वी बी डबल डैश कॉस 30 डिग्री, या आप यहाँ पे साइन 60 डिग्री भी लिखते तो साइन 60 का मतलब होता है कॉस 30 ही होता है, ठीक है ओके। इसका ये कंपोनेंट इधर आ गया। अच्छा ए वाला देखो भाई, ए वाले में लोचा है, ए किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, कितना आ रहा है एम ए वी ए डबल डैश साइन 30 डिग्री, अब साइन का क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस साइन लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्यों, इसका मोमेंटम इधर और इसका मोमेंटम इधर, माइनस साइन, यू हैव टू कंसीडर माइनस साइन, क्लियर है। और अगर आप एम और 2m, एम को हमने 500 kg लिया था, बाद में पुट कर देंगे ये आपको कितना 1000, सीधा पुट कर देते ना, एम को बोल, इसको एम बोलेंगे, ए को अगर एम बोलेंगे तो बी को क्या बोलेंगे 2m, ये हो जाएगा आपका एम वी ए डैश विल बी इक्वल्स टू 2m वी बी डैश, वी बी डैश कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, वी बी डैश आपका निकाल चुके हो, वी बी डैश आया था 10 इंटू कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 ओके, या माइनस माइनस एम ए, ये तो एम ही होगा, एम इंटू वी ए, वी ए कितना आया था 12.25 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2, एम से देखो काम आसान हो गया क्या, कैलकुलेशन कम पड़ गया क्या, सीधा वी ए डैश निकाल लो बाबू, कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसल आउट, 10√3 इस आपका क्या 17.32 माइनस, ये आपका हो जाएगा 6 point something, 6.12 ओके। तो इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 11.2 आ जाएगा, या क्लियरली दिख रहा है ओके 11.2, तो 11.2 किलोमीटर पर आवर बी ए डैश की वैल्यू आ गई, जस्ट बिफोर कॉलिजन ये था, जस्ट आफ्टर कॉलिजन 10 था, सॉरी अच्छा 12.25। सिमिलरली अगर आप वी बी डैश की बात करें, मीन्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, अलॉन्ग
वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में ए जीरो बी का होगा, आप बोलोगे एम बी को बोलेंगे टू एम, बोलेंगे एम बी को टू एम, टू एम इंटू वी बी डैश विल बी इक्वल्स टू, ए का उधर कंपोनेंट भी है बी का भी उधर, ये दोनों एक डायरेक्शन में है, क्या आ जाएगा आपका एम ए, एम ए तो एम है, एम इंटू, एम इंटू वी ए डबल डैश, वी ए डबल डैश का वैल्यू कितना है 12.25, 12.25 cos 30 डिग्री, एंड cos 30 को सीधा लिख ही देता हूं यहां पे, cos 30 आपका हो गया √3/2 प्लस 2m इंटू वी बी कितना था 10, 10 इंटू उसका साइन कंपोनेंट, साइन 30 डिग्री 1/2, और आप यहां से कैंसल आउट कर दो, m से m को कैंसल आउट कर दो, देखो काम ही बच गया आपका, m और 2m लेने से इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गया, यहां से बी बी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 12.25 √3, जो बच गया उसको डिवाइड कर दो 4 से, वैल्यू जा रही है 5.30, 5.30 प्लस, इधर आप देखोगे तो 10/2 आपका आ जाएगा 5, और दोनों को ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 10.3 मीटर पर सेकंड, सॉरी ये किलोमीटर पर आवर गलत है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो जाएगा। देखिए ये वाला स्टेप भी निकल गया, कैलकुलेशन देखिए कितना आसान हो रहा है, एंड अब आप फर्स्ट स्टेप के बारे में सोचिए, बिफोर कॉलिजन वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम तो व्हीकल ए के लिए निकालिए एंड व्हीकल बी के लिए, व्हीकल ए का क्या था आपका, व्हीकल ए का क्या था आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आप एम ए, ए की बात करें तो आप एम वी ए स्क्वायर माइनस आप एम वी ए डैश स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एम ए जी इंटू एस ए वन, और आपका एम से एम कैंसल आउट हो गया, यहां से आपने निकाला था वी ए स्क्वायर माइनस वी ए डैश स्क्वायर इक्वल्स टू टू म्यू जी एस ए वन, और यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट आपका 2 इंटू म्यू 0.5 इंटू जी 10, एस ए वन, एस ए वन कितना दिया है बाबू, एस ए वन की वैल्यू से आपको 20 30 है यहाँ पे, ओके 20 आपका हो गया राइट, और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ वी ए डैश का स्क्वायर, और वी ए डैश कितना आया है, वी ए डैश 11.2 का स्क्वायर, या इसकी वैल्यूज कितनी आ रही है निकाल लीजिए, वी ए की वैल्यूज आ जाएगी आपको, आपका वैल्यूज हो गया क्या ये 10 इंटू टू 200 आपका हो जाएगा, जस्ट ए मिनट, ये 0.5 10 या ओके 200 माइनस अंडर रूट 11.2 स्क्वायर, इसकी वैल्यूज आएगी आपको 13.74 मीटर पर सेकेंड, एंड सिमिलरली वी वी की जब वैल्यू आप बात करोगे ये भी आपका कितना हो जाएगा 2 म्यू जी एस बी वन प्लस, अच्छा सॉरी ये प्लस होगा ना, जस्ट ए मिनट यहाँ पे इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, ओके 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 आपके 14.53 यहां से आपका जो वैल्यू है प्लस आपका वी डैश स्क्वायर अंडर रूट, और यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू एस बी 230 मीटर प्लस वी बी डैश स्क्वायर, वी बी डैश की वैल्यू कितनी आई थी, कितनी है वी बी डैश की वैल्यू 10.3, आप करोगे 10.3 का स्क्वायर, जस्ट ए मिनट,
पिछला वाला कैलकुलेशन आई थिंक आई हैव टू डू अगेन, आई हैव टू डू अगेन, ओके थोड़ा बहुत गलत था उसमें। एटीन पॉइंट जीरो थ्री नाइन ये आ रहा था। चलिए अभी का कैलकुलेशंस क्या है चेक कर लेते हैं। टेन पॉइंट थ्री का स्क्वायर है ओके, एंड ये आपका 30 है, इसकी वैल्यू जाएगा 20.15 मीटर पर सेकेंड, और यही आपसे पूछा गया था। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक्सीडेंट एनालिसिस का क्वेश्चंस कैसा होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, एजम्पशंस क्या होगा, इसके बारे में हमने कंप्लीट स्टडी आपका किया। क्लियर है? तो ये था आपका कंप्लीट एक्सीडेंट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, ओके।